नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू इंदौर का एक प्रमुख स्टेशन अब बन चुका है। इंदौर स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए कुछ ट्रेनों को यहां से संचालित किया जाने लगा और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ेगी। यह आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 का नज़ारा, जो कि अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर ट्रैक फिलहाल में नहीं डला है। बात करते हैं इस स्टेशन के बारे में। 1874 से 1878 के दरमियान जो हमारा खंडवा से लगा के इंदौर तक का सेक्शन है, महाराजा होलकर जी के सहयोग से अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया था। तब से अब तक यह जो डॉक्टर अंबेडकर नगर महू है, कई बार अपना रंग रूप बदल चुका है। पूर्व में यह मीटर गेज का पूरी तरह से ट्रेनों के संचालन होने वाला स्टेशन था। 2013-14 में जब गेज कन्वर्जन इंदौर से महू के बीच में किया गया, तब यहाँ पर दो प्लेटफार्म ब्रॉड गेज के बना दिए गए। एक प्लेटफार्म नंबर 1, वहाँ से पूर्व की तरह अकोला तक ट्रेनों का संचालन होता रहा। बाद में ट्रेनें सिमट कर केवल सनावत तक रह गई और उसके पश्चात ओंकारेश्वर, और अब वह सेक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ पर कार्य किए जाने लगे हैं, जिसकी झलकियाँ हमने आपको सुबह दिखाई थी। ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास में जो ओवरब्रिज है, उससे नज़ारा दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो निर्माणाधीन है, वहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक डालने की तैयारियाँ तो लंबे समय से हैं, लेकिन अभी फाइनलाइज इसका कार्य नहीं किया जा सका है। प्लेटफॉर्म लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ओवरब्रिज को जोड़ने का काम आने वाले समय में किया जाएगा, और साथ ही जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में केवल वहाँ पर ट्रैक ही बिछाना बाकी है। पर यह आगे रेलवे को देखना है कि वे लोग कब तक इस ट्रैक को लिंक करने का कार्य करते हैं। आप आगे देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो पुराना कार्य है उसको उखाड़ दिया गया है, इसका नज़ारा। ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किए जा रहे जो कार्य है उसका नज़ारा। सुबह हमने आपको केवल इसके कुछ फ़ोटो दिखाए थे, और अब आप इसके दृश्य को देख सकते हैं। प्लेटफार्म की खुदाई यहां पर कर दी गई है, और जल्दी ही जो मीटर गेज का ट्रैक है उसको उखाड़ दिया जाएगा, और इस प्लेटफार्म को हाई लेवल प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे राउ एंड की तरफ जितना ऊंचा और चौड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, उसी के हिसाब से इसका भी निर्माण किया जाएगा। दो ट्रैक बिछाए जा सकते हैं। इसकी तैयारियां यहां पर प्रारंभिक तौर पर निर्माण विभाग के द्वारा कर दी गई है। करीब 25 करोड़ रुपए के शुरुआती टेंडर इसके खुल चुके हैं। साथ ही जो शेड था उसकी चादरें भी निकाली जा चुकी है। नए सिरे से आने वाले समय में इनको लगाया जाएगा जब प्लेटफार्म बनकर तैयार हो जाएगा। विशाल शेलके जी, जो हमारे पुराने सहयोगी है, जिनके द्वारा दी गई अपडेट्स के माध्यम से हम आप तक सही जानकारी पहुंचा पाते हैं, उनके द्वारा यह वीडियो हमें भेजे गए हैं। हम आप सभी की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर नगर के प्लेटफार्म नंबर 1 से आगे का नज़ारा आप देख रहे हैं, जो पूर्व में कार्य किया गया था उसके बरोबरी में यह अब सीमेंट कंक्रीट का कार्य आगे किया जा रहा है। प्लेटफार्म की बेस और दीवार बनाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। शेड उखाड़ दिया गया है लगभग, और उम्मीद कर सकते हैं कि जो कार्य हो रहा है उसकी गति में तेज़ी देखने को मिलेगी, जिससे कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन पर जल्द से जल्द जो ब्रॉडगेज की ट्रेनें हैं उनकी संख्या आने वाले समय में बढ़ सके और दूर दराज के लिए और भी ट्रेनें क्षेत्रवासियों को उपलब्ध हो सके। साथ ही यह भी उम्मीद है कि जो आगे का कार्य है, जो पाताल पानी से लगा के बलवाड़ा तक का नया सर्वे किया गया है नए रूट से, उसके लिए भी जल्द से जल्द कुछ फाइनल डिसीजन नज़र आए, क्योंकि उस कार्य के भी शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं जो फॉरेस्ट अनुमतियां पेंडिंग है उन पर भी जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उन्हें जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही जो मैदानी इलाका है बलवाड़ा से लगा के बड़वाह ओमकारेश्वर रोड तक का, उस हिस्से के लिए जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वह लगभग पूरी कर दी गई है। भारत सरकार के गजट में भी उसका प्रकाशन हो चुका है, उसके बारे में जानकारी हम आप सभी के साथ में जल्दी ही साझा करेंगे। तो ये आप सब ने देखा, महू डॉक्टर अंबेडकर नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गेज कन्वर्जन से संबंधित कार्य अब शुरू हो चुके हैं और उनमें काफ़ी तेज़ी आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। ऐसी और भी कवरेज पाते रहने के लिए तथा क्षेत्र की रेलवे से जुड़ी गतिविधियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।